दोस्तों नमस्कार, जय जवान और जय किसान। मैं गांव मिठुनपुरा का युवा किसान कुलदीप मुंदलिया इस ऑडियो के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। मेरा मोबाइल नंबर 9993393389 है। दोस्तों बात करें हम गत जुलाई महीने की, तो लगभग 27 या 28 जुलाई को हमने ढाणी सेरा वाली पेयजल फ्लडी नहर में टेल तक पानी पहुंचाने की मांग को लेकर गांव क्रमशाना ढाणीसेरा नीमला किशनपुरा मिठनपुरा के किसानों ने एलाबाद से नहर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को लगभग 56 घंटे तक रोड जाम रखा था। उसके बाद रविवार दोपहर कप्तान मीनू बेनीवाल जी द्वारा किसानों से वीडियो कॉलिंग कर धरने को उठवाने के लिए कहा गया और रोड को खोलने के लिए आह्वान किया गया, क्योंकि कप्तान साहब ने यह आश्वासन दिया था कि आपकी ढाणीसेरा पैरेलल फ्लडी नहर की टेल और क्रमशान टेल पर पानी पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों उसके बाद किसानों की मांग के अनुसार कप्तान मीनू बेनीवाल जी की टीम जमाल के पूर्व सरपंच नंदनलाल जी बेनीवाल व अन्य साथियों के साथ टीम के रूप में धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों को ठंडा व केले खिला करके रोड जाम को खुलवा दिया। आगामी दिन तरक्का वाली किसानों की समस्त 5 गांव के किसान पहुंचे और वार्तालाप हुई। जो किसानों ने कहा कि हमें टेल तक पानी पहुंचाओ, तो उन्होंने फिर आश्वासन दिया कि आपके टेल तक पानी पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन आज लगभग शायद 18 तारीख यानी कि होने के बावजूद भी, लगभग उस बात को 20 दिन होने के बावजूद भी अभी तक ढाणीसेरा व क्रमशाना टेल पर पूर्ण रूप से पानी नहीं पहुंच रहा है। हम पानी पहुंचने की बात करते हैं, इस फ्लडी नहर का घंटा किला को पानी जब तक ना पहुंचे तो हम उसको पानी पहुंचना नहीं कहते। ढाणीसेरा पैदल फ्लडी नहर की टेल पर लगभग आधा पौन बोर का पानी पिछले लगभग एक हफ्ते से चल रहा है, कभी कम तो कभी थोड़ा ज़्यादा, वो पानी पहुंचना नहीं है। अतः मैं जमाल के किसान साथियों से भी निवेदन करता हूं कि दोस्तों पानी की लड़ाई लड़ो, विश्वास बाद में, पहले पानी टेल तक पहुंचाओ, उसके बाद में नेताओं पर विश्वास करो। चाहे कोई भी कितना बड़ी बड़ा नेता क्यों ना हो, हम भी उस धरने को अगर शायद उस दिन ख़त्म ना कर पाते और उसको लंबा चलाते तो शायद हमारी टेल पर भी नहरी विभाग के अधिकारी मजबूरन धरने के आगे झुक करके धरने के दबाव में पानी पहुंचाने में कामयाब होते। लेकिन हमने उस दिन कप्तान साहब जी के निवेदन पर धरने को ख़त्म किया और आज हम 20 दिन के बाद भी टेल पर पानी ना पहुंचने से आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं। हम फिर निवेदन करते हैं कि कप्तान साहब, आपने हमें धरने को ख़त्म करवाया, रोड को खुलवाया, हमें आश्वासन दिया, प्लीज़ उस आश्वासन को पूरा कीजिएगा। नहरी विभाग के अधिकारियों को चाहे किसी भी प्रकार से वो टेल पर पानी पहुंचाएं, लेकिन टेल पर पानी पहुंचाने की कृपा कीजिएगा। हमारी फसलें नष्ट हो रही है, हमारी नस्लें नष्ट हो रही है। अतः आपसे निवेदन है कि आप किसानों की हितैषी हैं तो प्लीज़ पानी पहुंचाइएगा, पानी पहुंचाइएगा। हमारी जो नरमे की फसलें हैं वो एक एक मिनट एक एक सेकंड बिना पानी के तड़प तड़प करके निकाल रहे हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हो सकता है कुछ लोग मेरी बात को नकारे, हो सकता है कुछ लोग समर्थन करें, लेकिन मैं किसी भी पार्टी बाजी के पक्ष में नहीं हूं, ना ही किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में। मैं एक आज़ाद व्यक्ति, आज़ाद भारत का आज़ाद नागरिक हूं। सच्चाई कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं है। इसलिए एक बार फिर इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। हमें आशा है कि आप जल्द ही पानी पहुँचाओगे। धन्यवाद।